गाजियाबाद में रैपिड रेल का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद से उसके आसपास के इलाकों की जमीन की कीमत एकाएक बढ़ती जा रही है और इसी वजह से किलोनाइजर की इन इलाकों में अवैध प्लांटिंग काटी जा रही है, जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के लिए सरदर्द बना हुआ है। वहीं अवैध कॉलोनियों में DGA बुलडोजर जमा कर गरजा है और मौके की वीडियो भी आपके सामने है। बता दें कि GDA के प्रवर्तन जोन 2 में अवैध प्लांटिंग और अवैध निर्माण को ढहाया गया। जोन 2 की प्रभारी गुंजा सिंह ने बताया कि कुल 6 अवैध कॉलोनियों से जो है 65,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइज और उनके समर्थकों ने भारी विरोध किया, जिसके लिए GDA की पुलिस और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। वहीं जोन 2 की प्रभारी गुंजा सिंह ने अपील भी की कि कोई भी व्यक्ति इन अवैध कॉलोनियों में अपना पैसा ना लगाए, क्योंकि अवैध कॉलोनियों पर GDA का बुलडोजर इस प्रकार से चलेगा जिससे उन लोगों का पैसा बर्बाद हो जाएगा जो अवैध कॉलोनियों में जमीन या प्लॉट ले रहे हैं। तो इस क्रम में जो है मेरे द्वारा कल डिमोलिशन ड्राइव लगाई गई थी, जिसमें कि हमने अपनी पूरी टीम के साथ, अपने AE और सुपरवाइजर्स के साथ और हमारे जो प्राधिकरण की पुलिस टीम थी उनके साथ हम लोगों ने कल काफ़ी बड़े क्षेत्र में हो रही अवैध कॉलोनाइजर्स के जो है जो साइट ऑफिस थे वो तोड़े हैं। या जो भी जनता से मेरी अपील है कि जब भी वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदें या कुछ भी चीज़ें खरीदें वो एक बार ज़रूर अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड ज़रूर चेक कर लें और अप्रूव्ड जगह ही कॉलोनी खरीदें या फ्लैट्स खरीदें जैसा भी, और ज़रूर यहाँ GDA में आके इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लें जिससे कि हमारे जो है भोले भाले लोग जो है इन कॉलोनाइजर्स के चंगुल में ना फंसे और हमें भी अनावश्यक रूप से ये शिकायतों से निजात मिल सके, जो पब्लिक परेशान ना हो।